अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वीक 5 और इस वीक में हम फिलबॉटमी के हवाले से और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों को दोबारा मैं बता दूं कि ऑलरेडी आप लोग फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड ये पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट्स का आपको पता चल गया, उसके बाद आपको ट्यूब्स का पता चल गया, और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रा ये क्या है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी आई थिंक। जी, स्लाइड नज़र आ रही है? जी जी सर, आ रही है नजर। अच्छा, चलिए, ओके, थैंक यू। ओके, सो इसमें बात ये है कि अब जब जितने ट्यूब्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि आप लोगों को डिफरेंट ट्यूब्स के नाम भी अब पता है, EDTA है, इथाइलिन डायामाइन टेट्राएसिटिक एसिड, या सोडियम साइट्रेटेड है 3.2%, या सोडियम साइट्रेटेड है 3.8%। फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी पता चला कि सीरम सेपरेटेड ट्यूब्स कुछ होते हैं, कुछ कोगुलेशन के ट्यूब्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलरली जो है वो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट के लिए, जैसे कि शुगर के लिए हमने ग्रे ट्यूब जो है वो यूज़ किया, या हेपरनाइज ट्यूब है, या उसके अंदर कोई और कलर, फॉर एग्जांपल पिंक कलर का ट्यूब जो है, जिसका टॉप जो था वो पिंक कलर का था, इस तरह के ट्यूब जो है वो आप लोगों ने देख भी लिए, और लास्ट लेक्चर के दौरान जो है वो आप लोगों ने उसको जानने की कोशिश भी की कि इसके अंदर होता क्या है और इनका मैकेनिज्म क्या होता है और ये क्यों डाले जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे लेके जाएंगे, और टॉपिक आज का है ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है हमेशा के लिए कि जब हम ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ फिलबॉटमी में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम ये नहीं पूछ रहे कि ब्लड को ड्रॉ कैसे किया जाएगा। यानी कुछ स्टूडेंट्स जो है ये सोच सकते हैं कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिरिंज उठाए, किसी के वेन को देखे, वेन के बाद उसके ब्लड को ड्रॉ करें, तो ये ब्लड ड्रॉ है। बल्कि ये हमारे पास CLSI का एक प्रॉपर मेथड होता है ऑर्डर ऑफ ब्लड ड्रॉ, कि आपने जब ब्लड ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपने किस प्रोटोकॉल्स के अंडर उनको ड्रॉ करना होता है, आपने रेंडम रैंडमली कोई ब्लड ड्रॉ करना होता है या नहीं, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक आपने पहले कौन से ट्यूब के अंदर ब्लड डालना होता है, उसके बाद कौन से में, उसके बाद कौन से में, और एंड पे जो है वो कौन सी ट्यूब आ जाती है। तो एक्चुअली ब्लड ड्रॉ करने का मतलब यही होता है। ओके, ये हमारे पास कलर कोड्स है, जैसे कि येलो है, रेड है, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, तो इसको अपने माइंड के अंदर रख ले और इसको आगे जो है वो हम और एलाबरेट करने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी स्पीक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट? एंड फिलबॉटमी दिस टर्म हैज स्पेशल मीनिंग एज इट इज द ऑर्डर इन विच सर्टन ट्यूब्स कैन बी यूज्ड। There are seven different tubes which makes up the order of draw. They are listed by chemical additives that have been introduced to the tube by the manufacturer to perform a specific function when mixed with the blood. ठीक है, यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई कि जब हम फिलबॉटमी में यही बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो 6-7 डिफरेंट किस्म के ट्यूब्स यूज़ कर रहे होते हैं उनके बारे में हम पूछ रहे बारे में बता रहे होते हैं कि पहले आपने किस ट्यूब के अंदर ब्लड डालना है, नेक्स्ट कौन से डालना है। तो ये ड्रॉ जो है इसका अपना एक पर्टिकुलर एडवांटेज होता है और इसका फ़ायदा भी होता है। और तीसरी बात यह है कि जो CLSI का मेथड प्रोटोकॉल्स है उनको हमने ऑर्डर ऑफ ड्रॉ जो है उसी के बेस पे करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये आप देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो CLSI बोल रहा होता है कि आपने ब्लड जो है वो कैसे ड्रॉ करना होता है, तो आप डिफरेंट कलर जो है वो देख रहे हैं, जैसे येलो कलर है, उसके बाद ब्लू कलर है, उसके बाद आपका रेड है, उसके बाद आप देख रहे हैं SST है, और उसके बाद ग्रीन ट्यूब है,
और उसके बाद जो है वो आप देख रहे हैं लेवेंडर कलर है, और फिर एंड पे जो है वो ग्रे कलर है, ठीक है। तो द क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ये CLSI क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी ये आपके लिए ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उन्होंने प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, उसी एक्सपीरियंस को वो आगे जो है वो किसी गाइडलाइन की शक्ल दे देते हैं, और उसको फिर हमने फॉलो करना होता है। तो ये आपके पास वो ट्यूब्स थे, मैं इसको ज़रा थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, आपके पास ट्यूब्स थे जिनके अंदर कुछ एडिटिव सॉल्यूशन थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं, सॉरी मैं इसको ज़रा, हाँ ये आप देख रहे हैं, तो इसके बारे में प्रीवियसली आप लोग पढ़ चुके हैं कि सोडियम पॉली एनेथोल सल्फेनेट जो है ये हमारे पास येलो ट्यूब के अंदर होता है। अब सोडियम साइट्रेट जो है वो लाइट ब्लू कलर के अंदर हो रहा डाला हुआ था, एडिटिव जिसके अंदर नहीं थे जिसको हमने प्लेन ट्यूब कहा हुआ था उसका ऊपर जो टॉप था वो रेड कलर का था। इसी तरह क्लॉट एक्टिवेटर जो था वो सीरम सेपरेटर ट्यूब जिसको हमने SST का नाम दिया, इसके साथ हेपरिन जो था वो सोडियम में या लिथियम दोनों के अंदर अवेलेबल होता है तो उसका कलर ग्रीन था, और लेवेंडर कलर या पर्पल कलर जो था उसके अंदर इथाइलीन डायमाइन टेट्रासिटिक एसिड डाईपोटाशियम या ट्राईपोटाशियम दोनों में अवेलेबल थे, और पोटाशियम ऑक्सलेट या सोडियम फ्लोराइड जो है उसके साथ डला हुआ होता है तो उसका कलर जो था वो ग्रे था। तो ये ऑलरेडी आपको पता भी है और इसी को हम आगे जो है वो अब लेके जाएंगे। अच्छा, जो पहला आपने ट्यूब लेनी होती है तो याद रखिए कि अक्सर हम ट्यूब्स की बात कर देते हैं और कल्चर को भूल जाते हैं। तो कल्चर बॉटल जो है वो यूज़ हो रहा होता है आपके ब्लड का कल्चर करने के लिए, ओके। इस पर भी हमारे ख्याल में बात हुई थी हमारी कि जब हम किसी को कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो जो रूल्स है जो हमें बताते हैं वो यही होता है कि आप पहले उसका कल्चर करें, और उस कल्चर का जो रिज़ल्ट आता है जो एंटीबायोटिक डिस्क लगते हैं उसके बेस के ऊपर आप उनको फिर एंटीबायोटिक्स जो है वो दिया करें, क्योंकि हर बंदा जो है वो हो सकता है किसी के ऊपर जो है वो कोई एक एंटीबायोटिक से ही काम करे, हो सकता है कि दूसरा बंदा एग्जैक्टली उसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट हो। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, कम करने के लिए, एंटीबायोटिक की वाफिर मकदार यूज़ करने के रोकने के लिए हम पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक के ऊपर चले जाते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। तो जब कोई डॉक्टर लिखता है आपको ब्लड कल्चर करना है तो टॉप मोस्ट जो पहला ट्यूब है आपने वो एंटीबायोटिक के लिए लेना होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड कल्चर ट्यूब, ओके। ये बड़ा ट्यूब होता है, बॉटल ही होता है बल्कि ट्यूब नहीं होता, ये बॉटल होता है, और आप उसके अंदर जो है वो पहले नंबर का सैंपल आप इसके अंदर ही पोर करेंगे, ओके। उसके बाद आपका टेस्ट आ जाता है सोडियम साइट्रेट का। सोडियम साइट्रेट अब क्या है, ये कोगुलेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, और जिसमें PT आपका प्रोथ्रम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, डी डाइमर हो गए, और थ्रोम्बोफीलिया स्क्रीनिंग हो गई, या कोगुलेशन स्टडीज आप कर रहे हैं, इसके अंदर सोडियम साइट्रेट होता है, और दूसरे नंबर का ट्यूब जो है वो आपका यही होगा। अच्छा, अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा कल्चर का टेस्ट करेगा, तो इस वजह से हमारे पास जो नंबर वन सैंपल होता है अक्सर लैब्स के अंदर, आपने जो नंबर वन सैंपल कलेक्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आपके पास आया और उसने दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं, एक उसने PT परफॉर्म करना है यानी प्रोथ्रम्बिन टाइम परफॉर्म करना है, और दूसरा उसने ब्लड शुगर परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका ट्यूब नंबर वन जो है वो कौन सा हो जाएगा, कोगुलेशन का हो जाएगा, और ट्यूब नंबर टू जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा जिसको हम फ्लोराइड ट्यूब या ग्रे ट्यूब कहते हैं। तो यहाँ पे आपने उस सिक्वेंस को मेंटेन रखना है। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको लेते क्यों है, इसका मतलब ये है कि जब आप ब्लड ले लेंगे तो आपके ब्लड के अंदर जो है ये कोगुलेशन का जो प्रोसेस हो रहा होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, जैसे ही आप ब्लड ले रहे होते हैं वो प्रोसेस हो चुका होता है, या उससे पहले चले कल्चर के ऊपर चले जाते हैं। कल्चर का मतलब ये है कि उसमें हम कोई बैक्टीरिया देख रहे हैं, तो अगर लेट सपोज आपने उस बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को ख़त्म करना है तो आपने बिल्कुल फ्रेश ब्लड को उस बॉटल के अंदर पोर करना है,
अब अगर ये एंड पे आ जाएगा तो एंड पे हो सकता है, चांसेस है कि उसमें कोई ना कोई कंटेमिनेशन आ जाए, हो सकता है उस सिरिंज के अंदर कंटेमिनेशन हो सकता है आपके हाथ के अंदर कुछ ऐसी कंटेमिनेशन आ जाए, हो सकता है वहाँ के ऊपर टेबल के ऊपर जो है वो कुछ कंटेमिनेशन आई हुई है, या पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तो प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन आ रही होती है। तो इसलिए आपने क्लीन से डर्टी की तरफ जाना है, यानी सबसे पहले आपने उस प्रोसेस को करना है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ओके, उसके बाद आप सोडियम साइट्रेट ले लेते हैं, तो इसमें कॉगुलेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जिसके अंदर जिस ट्यूब के अंदर कोई कॉगुलेशन जिस ट्यूब के अंदर कोई एंटीकॉगुलेंट हो या कोई एडिटिव सोल्यूशन हो तो आपने उसको मिक्स करना होता है। अब ये जो मिक्सिंग है ये शेकिंग नहीं है कि आप जिस तरह हम मेडिसिन ले रहे होते हैं उसको शेक कर रहे होते हैं, नेवर एवर शेक एनी ट्यूब और एनी ब्लड जो है वो आप किसी लेबोरेटरी के अंदर कभी भी शेक नहीं कर सकते। आपने उसको आराम के साथ जो है वो इन्वर्ट करना है, और वो किस एंगल में आप ट्यूब को आपने रखना है, और आपने उसको एट की शक्ल के अंदर जो है वो क्या करना है, घुमाना है। उसी वक्त जो है वो आप इसको इसलिए घुमा रहे हैं या इस वजह से मिक्स कर रहे हैं, इन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अंदर जो एंटीकॉगुलेंट है वो प्रॉपरली उस ब्लड के साथ सही तरह जो है वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आपके पास जो है वो रोटेटर भी होता है या शेकर भी होता है, इस तरह डिफरेंट जो है वो कमर्शियली अवेलेबल होता है, आप उसके बाद उसके ऊपर रख दे तो वो जब तक जो है वो मिक्स होता रहेगा, फ्लेबोटमिस्ट अपना काम करेगा, उसके बाद वो लैब के अंदर जो है पहुँचाया जा सकता है। थर्ड सैंपल जो है वो आपका क्लॉट एक्टिवेटर है। अब यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि पता है कि क्लॉट एक्टिवेट होना है, यहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे सीरम चाहिए। अब सीरम जो है अगर आप पहले ट्यूब के ऊपर जो है वो करें, क्योंकि इससे पहले जो था आपको प्लाज्मा चाहिए होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस और पूरा जो उसके साथ सोडियम साइट्रेट के साथ जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे आएंगे रेड ट्यूब के ऊपर, और रेड ट्यूब के अंदर जो है वो आपको सीरम चाहिए। सीरम अब आपके मल्टीपल टेस्ट के लिए चाहिए होता है, सीरोलॉजी के अंदर आप सीरम आपको चाहिए, वायरल आपको ये टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए चाहिए, फंगल है, बैक्टीरियल है, या कोई और सीरोलॉजी का टेस्ट है या केमिस्ट्री का टेस्ट है, उसमें आपको सीरम चाहिए होता है। तो आपने इसको जो है वो रखना है वहाँ के ऊपर, इनक्यूबेट भी कर सकते हैं आप इसको, और उसके बाद जो है वो आप दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चले जाएं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा वो आपका है क्लॉट एक्टिवेटर या सेपरेशन जेल है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे करते हैं लैब्स के अंदर कि आपके टेस्ट होते हैं तो वो ये वाला टेस्ट, अगर मिसाल के तौर पर उसके पास रेड ट्यूब नहीं है तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत ही उसको नहीं होती, क्योंकि वो कह रहा होता है कि ऑलरेडी मैं सीरम सेपरेटर जेल के अंदर जो है वो ब्लड ले रहा हूँ, तो वो भी सीरम दे रहा है, ये भी सीरम दे रहा है। जेल का फ़ायदा ये है कि जब हम किसी ब्लड को ले लेते हैं, अगर आपने रेड में लिया, आपने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, जब आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर लिया तो इसका मतलब ये है कि नीचे आपके साथ बिल्कुल एंड पे रेड ब्लड सेल्स बफी कोट जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उसके ऊपर एक लेयर होगा जिसको हम सीरम कहलाते हैं। अब खुदा ना खास्ता ये थोड़ा सा हिल गया, गिर गया, आप पाइपेटिंग कर रहे हैं उस दौरान जो है वो कोई ब्लड की कंटेमिनेशन हो गई, तो ये चांसेस है इसके अंदर कि इसके अंदर जो है वो ब्लड की कंटेमिनेशन, या अगर खुदा ना खास्ता गिर गया तो कुछ ना कुछ जो है वो चांसेस है कि आप दोबारा प्रोसेस करेंगे, दोबारा सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर टूटने का खतरा, तो रेड ब्लड सेल्स आपको टूट गया यानी जो हेमोलिसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, हेमोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर आपके कोई ऐसे टेस्ट है जो हेमोलिसिस की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं तो वो जो है वो रेंडर हो जाएंगे। तो इस वजह से हम इस ट्यूब को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इसके अंदर एक जेल रहता है, और जैसे ही आप सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं तो नीचे सेटल डाउन हो गए रेड ब्लड सेल्स बफी कोट, वो जेल उसके ऊपर ही आ जाता है, ठीक है, उस लेयर के ऊपर आ जाता है और उनको अंदर ही रोक देता है। अब आपके पास प्योर जो है वो सीरम आ गया, अब ये आप गिरा दें या कुछ भी करें, इसको कुछ भी नहीं होना। ओके, तो ये फ़ायदा जो है वो फिर जेल सेपरेटर ट्यूब का होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका हेपरनाइज ट्यूब है, इसमें से अमोनिया टेस्ट हो गया, आपका होमोसिस्टीन हो गया, जैसे कि आप हेमेटोलॉजी के अंदर कुछ टेस्ट है जिसमें एनीमिया होता है उसके अंदर एक टेस्ट है होमोसिस्टीन, तो ये उससे कर सकते हैं, रूटीन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं,
अच्छा, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो आपने एक दूसरे से नहीं करने होते। मिसाल के तौर पे आप इससे CBC नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके अंदर WBC जो है वो हेपरिन की वजह से डिटेरिएट हो जाएंगे, या अगर आप इसकी स्लाइड बनाएंगे, पेरिफेरल स्मेयर बनाएंगे, तो उसके ऊपर एक ब्लूइश कलर का जो है वो एक लेयर आ जाएगी, जिसकी वजह से आप नीचे सेल्स देख नहीं पाएंगे। तो सीरियल पे ये हमारे पास 4th नंबर पे है, बल्कि ओवरऑल सीरियल पे 5th पे है, और जनरल अगर हम कोई ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर 4th पे है। उसके बाद आप EDTA ले सकते हैं। EDTA जो है इसमें होल ब्लड लिया जाता है, फुल ब्लड काउंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन भी की थी, इवन ब्लड काउंट्स भी की थी। HbA1c कर सकते हैं आप इससे, जो ऑटोमेशन आ गई है। ESR भी अब इससे हो सकता है, पेरिफेरल ब्लड ब्लड इससे हो सकता है, ब्लड ग्रुपिंग इससे आप कर सकते हो। जिस चीज़ के अंदर आपको होल ब्लड चाहिए होता है, तो वो होल ब्लड आपको EDTA के शक्ल के अंदर जो है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। ओके, अब इसमें EDTA जो है वो आपको डाई पोटाशियम में भी मिलेगा, ट्राई पोटाशियम में भी मिलेगा। सारे ट्यूब जो है वो यूज़ नहीं करते, तो इसमें से दोनों में से आप किसी एक ट्यूब को जो है वो यूज़ कर ले जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल हो। ओके, अच्छा, दोनों टाइप डाई पोटाशियम और ट्राई पोटाशियम में भी फिर रहता है कि इसमें बेस्ट कौन सी है, जिस तरह रेड में और येलो के अंदर हमने कहा। तो इसमें भी हमारे पास जो डाई पोटाशियम है वो बेस्ट रहती है, क्योंकि ट्राई पोटाशियम जो है वो अक्सर सेल्स की श्रिंकेज कर देता है। तो पेरिफेरल मॉर्फोलॉजी के अंदर जो है वो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है वो क्रिनेशन आना शुरू हो जाती है, यानी रेड ब्लड सेल्स अपने प्योर स्ट्रक्चर के अंदर आपको नहीं मिलते। ओके, उसके बाद जो है वो आपके पास ट्रेस एलिमेंट्स जो है वो EDTA प्लेन ट्यूब, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता। टॉक्सिकोलॉजी वगैरह के अंदर जो है वो आप इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, और एंड पे जो है वो आप सीरम ग्लूकोज या लैक्टेज टेस्ट जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसके लिए आप सोडियम फ्लोराइड का टेस्ट जो है वो या ट्यूब जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपकी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है कि आप जब भी ब्लड लेंगे उसका एक प्रॉपर वर्क गाइडलाइंस होंगे कि आपने उन ट्यूब्स को इस तरतीब के साथ जो है वो लेना होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई एक टेस्ट आया है तो डजंट मैटर, फिर तो आप एक ही टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर ले, तो बाकी ट्यूब के जो है वो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये उस सिनेरियो के अंदर कि अगर कोई पेशेंट आया है और उसके रैंडम जो है वो मल्टीपल टेस्ट है, तो उस सिनेरियो के मुताबिक आपने फिर गाइडलाइन के थ्रू जाना है। जितने स्टूडेंट्स या जितने प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं लैब्स के अंदर, तो आपके फिलबॉटमी सेक्शन के अंदर ये ट्यूब जो है इसका पोस्टर लगा हुआ होता है, उसी के थ्रू जो है वो आपने जाना होता है। ओके, सो इसको याद रखना भी चाहिए होता है। तो निमोनिक एग्जाम्पल्स जो है अक्सर आप याद कर रहे होते हैं, जैसे आपने पीरियोडिक टेबल याद किया होगा कि उसमें डिफरेंट जो है वो आपने नॉर्म वो याद किए हुए थे, उसके वर्ड्स जो है वो याद किए थे कि इस तरह ये याद किया जाता है, हाली निकी रब से फरियाद, बहुत सारे बच्चों को याद होगा FSC के ज़माने का। तो उसी तरह आप इसको यंग बॉडीज रियली शुड ग्रेट लार्ज ग्रेन्स, तो इस तरह आप कोई और याद कर ले तो वाई फॉर येल्लो, बी फॉर ब्लू और आर फॉर रेड, इस तरह ये आप याद सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको आसानी जिस तरह लग रही होती है। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट जो तरीक़ाकार है वो यही है कि आप फिलबॉटमी के अंदर इसका पोस्टर लगा ले, ताकि हर वक्त हर दिन हर बंदा वहाँ पे जो भी काम परफॉर्म कर रहा है उसके सामने वो पोस्टर लगा हुआ हो, और ईजी हो के जो है वो उस चीज़ को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अच्छा, वाई वी यूज़ ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, अब बात यही आती है कि प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। आपने कंटेमिनेशन को क्या करना होता है, उसको प्रिवेंट करना होता है। द रीज़न द ट्यूब्स आर असाइंड दिस ऑर्डर इज टू प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड टू अदर ट्यूब्स विच मे कॉज एरर इन टेस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लक्स, विच मीन्स द केमिकल कैन मूव फ्रॉम द ट्यूब and enter the needle. Once the next tube is activated, it will have the previous chemical enter the tube causing contamination. ठीक है, अच्छा, अब इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि आप कंटेमिनेशन को, जैसे उसका तो मैंने बता दिया आप लोगों को
कल्चर का, कि कल्चर के अंदर भी कंटेमिनेशन होती है, एंड दैट कंटेमिनेशन इज बेसिकली बैक्टीरियल कंटेमिनेशन. ठीक है, कि कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए हम ट्यूब नंबर वन जो है वो क्या ले रहे हैं, कल्चर ले रहे हैं. अब जो बाकी है, तो बाकी आप देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऐसी ब्लड है और ब्लड के साथ आपको पता है कि नीडल लगता है, उसके अंदर एंटीकॉगुलेंट होता है, तो वो एंटीकॉगुलेंट अगर एक से निकल के दूसरे में आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसके बाद जो ट्यूब नंबर टू है, ओके, ब्लड कल्चर का तो एक हो गया, इसमें तो 10 ml 20 ml ब्लड लगता है, ये तो काम ख़त्म हो गया. आपने एक ब्लड एक सिरिंज भर के इसके अंदर डाल दिया, यहाँ तो कहानी ख़त्म हो गई. कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सोडियम साइट्रेट आपने उठा लिया, आपने इसके अंदर ब्लड डाल लिया, सेंसिटिव टेस्ट है, आपके सेकेंड्स के ऊपर ये टेस्ट डिपेंड करता है और माइन्यूट वैल्यू होते हैं इसके. 14-15 सेकेंड से अगर 18 सेकेंड के ऊपर जा रहा है तो 4 सेकेंड का ही फ़र्क है, लेकिन टेस्ट वेरी कर गया, टेस्ट गलत आ गया, डायग्नोसिस क्या हो गई, कम्प्लीटली चेंज हो गई. अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि क्लॉट एक्टिवेटर है, तो इस ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपने जो है वो कोई ऐसी हेपरिन पहले लगा ली थी और बाद में ये लगा ली थी, तो इसका मतलब ये था कि हो सकता है कुछ ब्लड या कुछ एंटीकॉगुलेंट जो है उसके साथ मिक्स होके इसके अंदर कंटेमिनेशन जो है वो डाल ले, तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए ये तरीका जो है वो बेस्ट है कि आप उस रिफ्लेक्स को ही ख़त्म कर दें, ट्यूब्स की वेरिएशन कर दे, ताकि एक ट्यूब की दूसरी ट्यूब के अंदर कंटेमिनेशन जो है वो ना चली जाए. मिसाल के तौर पे सिंपल एक और मिसाल मैं आपको समझाने के लिए दे देता हूँ कि हम घर के अंदर बच्चों को डिफरेंट मेडिकेशंस दे रहे होते हैं. अब आप एक स्पून से ही दो बच्चे हैं आपके और आप एक ही स्पून से दोनों डिफरेंट बच्चों को जो है वो डिफरेंट मेडिकेशन दे रहे हैं. आपने पहले जो है वो कोई कफ सीरप डाला और वो आपने उस बच्चे को दिया, ठीक है. अब अक्सर क्या किया जाता है, जो रूटीन की का तरीकाकार होता है कि हम फिर उस स्पून को भी चेंज नहीं करते और उस स्पून को साफ़ भी नहीं करते, बल्कि उसी स्पून से बेटा नंबर दो जो है उसको कोई और मेडिकेशन जो किसी और पर्पज़ के लिए थे उसके अंदर डाल लेते. अब वो जो पहला पहली मेडिसिन थी वो और साथ में जो दूसरी मेडिसिन आ गई, दोनों आपस में कोई रिएक्शन तो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपने ये दूसरे बच्चे को दे दी. तो ये एग्जाम्पल जो है, आपने एक तो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को भी वहाँ से लेके आ गए और दूसरा जो कंटेमिनेशन है वो क्या था, वो पर्टिकुलरली उस मेडिकेशंस के दौरान जो था वो भी हमारे पास जो है वो आ चुकी होगी. तो इस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए जो है वो हम ये तरतीब जो है वो बनाते हैं. अच्छा, अब बात आती है नेक्स्ट में कि आपने किस तरीके से मतलब ब्लड लेना होता है और कैसे लेना होता है. तो पहले जो है वो हमारे पास ये नीडल और सिरिंज जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं. नीडल अगर आप देख ले तो नीडल के इस एरिया को जो है वो हम टिप कहते हैं, ये जो एरिया होता है इसको हम बेवल कहते हैं, और ये जो है ये हमारे पास बैरल है. ये मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम ये आपको डिस्कस किया था या नहीं किया, तो कोई मुझे रिप्लाई करेगा. जी यस. अच्छा, ये मैंने किया था, ठीक है, ओके. ये वही है और यहाँ तक मेरे पास जो है वो शहजाद साहब आप बता दें, ये हो गया था. जी ये भी बिल्कुल, ठीक है, ये हो गया था. होल्डर्स हो गए थे, होल्डर भी हो गए थे, बिल्कुल ठीक है. ये सेफेलिक और ये वेंस तक आ गए थे हम या नहीं? नहीं, वेंस का नहीं डिस्कस हुआ था. अच्छा, बटरफ्लाई भी नहीं हुआ था, लैंसेट भी नहीं हुआ था, और अल्कोहल स्वैब वगैरह नहीं, ये भी नहीं हुआ था. ठीक है, ओके, चले. सो ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी आप लोगों को इसकी लेबलिंग जो है वो बता दी थी कि डिफरेंट ट्यूब्स होते हैं, डिफरेंट सिरिंज रहते हैं और डिफरेंट गैज के नीडल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और उसका सिंपल फार्मूला जो है वो मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि आप जो है वो किस पर्पज़ के लिए, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके लिए सबसे बड़ा गैज यूज़ करेंगे, ठीक है. तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी नीडल जो है वो पतली है, वो उस बच्चे को या उस पेशेंट को नुकसान नहीं पहुँचा सकता. इसके साथ होल्डर्स थे, तो मल्टीपल ट्यूब्स, अगर आप मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं और आपको 10-15
15 ml ब्लड चाहिए होता है, ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो एक ब्लड के अंदर अगर आपके पास 5 cc है तो एक दफ़ा आप प्रिक कर लेंगे, दूसरी दफ़ा प्रिक कर लेंगे, तीसरी दफ़ा प्रिक कर लेंगे, वैसे इतना चाहिए नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 ml ब्लड तकरीबन काफ़ी होता है अगर मल्टीपल टेस्ट है। तो उस सिनेरियो से भी बचने के लिए फिर एक और तरीकाकार था जिसमें हम कहते हैं कि आप होल्डर का यूज़ किया करें। तो होल्डर जो है वो आइडियल मेथड है, फैसिनेटिंग मेथड है, ये आप बटरफ्लाई के साथ अटैच कर लेते हो या डायरेक्ट जो है वो आप इंसर्ट कर देते हो और ट्यूब को जो है वो चेंज करते रहते हो। ओके, उसके बाद ब्लड को लेने का तरीका था कि आपने पहले पेशेंट को कहना कि अपनी मुट्ठी बंद कर दे, आपका जो थंब है उसको इंसर्ट कर दे इनसाइड फोर फिंगर, और उसके बाद आपने जानना होता है कि उसका कौन सा वेन जो है वो प्रोमिनेंट है, तो आप जो है वेन की तरफ चले जाते हैं और वेन में आपके पास ये जब आइडियली आपके पास वेन आ गया, और कौन से वेन आ गए, सिफिलिक आ गया या आपके पास मीडियल क्यूबेटल जो है वो वैन आ गया, जो कि मीडियल क्यूबेटल जो है ये बड़ा बेहतरीन वैन है, स्ट्रेट रहता है, टू द टारगेट होता है, प्रोमिनेंट होता है और इसी जगह से ही वो गुजर के जाता है, तो ये वैन अगर आप खुद भी फील करें तो आप लोगों को बड़ा अच्छा वैन जो है वो ये मिल रहा होता है। सेफेलिक जो है थोड़ा साइड की तरफ जो है वो जा रहा होता है, तो इस वजह से कभी कभार इवन ये थोड़ा नीचे भी चला जाता है, तो इससे जो है वो हम मतलब ऑप्शन नंबर 2 है। फिर थर्ड जो है वो हमारे पास बेसिलिक वैन है, तो बेसिलिक वैन के नीचे जो है वो बेसिलिक नर्व होता है, बेसिलिक वैन जो है उससे हम थोड़ा सा डरते हैं और डरना इसी वजह से चाहिए कि उसमें नर्व रहता है, तो ऐसा ना हो कि आप वैन से आगे चले जाए और डैमेज कर दे आप किसी नर्व को जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आइडियल जो है नंबर 1 वो आपके पास मीडियन क्यूबिटल वैन रहता है, और सेकंड पे जो है वो आपका सेफेलिक या एक्सेसरी सेफेलिक ये वाला एरिया जो है वो होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि अक्सर जैसे ये वैन है आप इसको देख रहे हैं वी शेप है, ओके, यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, फिर अगर आप यहाँ से देख लें, ठीक है, एक्सेसरी सेफेलिक को देखिए, ये ऊपर वाले हिस्से को हटा दे तो यहाँ ये और ये, तो ये एन शेप बन गया। ओके, कुछ लोगों के होंगे वो एच शेप होंगे, कुछ लोगों के एम शेप होंगे, ये वेंस ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये जहाँ पे इनका इंटरचेंज होता है, जैसे ये वेन यहाँ से आ रहा है और ये वेन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, तो इस एरिया से आपने ब्लड नहीं लेना होता। ओके, अगर आप इस ब्लड इस एरिया को पंक्चर करेंगे तो प्रेशर यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ पे हेमाटोमा के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, और आप वेन के प्रॉपर एक फ्लो को क्या कर रहे हो, उसको इनहेबिट कर रहे हो, उसके ऊपर कुछ प्रेशर डाल रहा है जो कि बाद में उसके लिए मसाइल पैदा कर सकता है, 1 हफ्ता 10 दिन तक वो जगह जो है वो फिर थोड़ी सी स्वेलिंग या उभार सा टाइप आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोमा कहते हैं, उसको फिर आपने ख़त्म करने के लिए मजबूती के साथ उसको प्रेस करना होता है या आइसिंग वगैरह जो है वो करनी होती है। तो एम शेप्ड एन शेप्ड या ब्रांच्ड, हम सिंपली आप कह रहे हैं कि ब्रांच्ड वेन से हमने ब्लड जो है उस पर्टिकुलर एरिया जो है वो नहीं लेना होता। बाकी आप आइडियली मीडियल क्यूबिटल वेन, अगर आपने राइट हैंड से स्टार्ट किया है तो आप राइट हैंड को पहले देखेंगे, उसके बाद अगर आप राइट को आप मैं आपको कोई वेन नहीं मिली, ओके, आपने जाना है लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड की तरफ भी यही वेन होंगे, आपने वहां से लेना होगा। लेट सपोज आपको वहां से भी वेन नहीं मिली, देन आप जो है वो हैंड्स का जो डॉर्सम है उस पे जा सकते हैं ऑन द राइट या फिर लेफ्ट के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को वेन जो है वो लाजमी मिलेगा। अगर लेट सपोज फिर भी नहीं मिल रहा तो जो एक्सपीरियंस्ड फ्लेबोटमिस्ट होते हैं तो उनके ब्लाइंड प्रिक्स भी आइडियल होते हैं। आपको पता है कि लेट सपोज अगर कोई ओबीस पेशेंट है, अब उसके वैन नज़र नहीं आ रहे, बहुत मस्कुलर बंदा है, तो वहाँ पे वैन तो यहाँ से गया हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि इस एरिया से ही आगे जो है एक रूट है, तो उसको फिर आप रेंडमली एक ब्लाइंड प्रिक लगा लेते हो, आप फील कर देते हो, आपके फिंगर्स को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं वैन यहाँ पे है और आप इसकी फीलिंग आती है, तो आप वहाँ पे ब्लाइंड प्रिक कर लेते हो और वहाँ से ब्लड लेते हो।
इसको हम कहते हैं ब्लाइंड प्रिक, मोस्टली ठीक रहते हैं ये, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो आइडियली वहाँ से निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर फिर भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो बहुत सारे लैब्स, बहुत सारे हॉस्पिटल अब जो है वो लेज़र का भी यूज़ कर रहे हैं, कि उसमें रेज जो है उसके ऊपर, मैं एंड पे आप लोगों को दिखा दूंगा कि वो उसके ऊपर रख देते हैं वैन के ऊपर, तो नीचे जो वैन के अंदर ब्लड जा रहा होता है आप उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं वैन डिटेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये बटरफ्लाई नीडल जो है ये हमारे पास इस होल्डर के साथ कनेक्ट हो जाता है, और इसमें ये होता है कि आप बटरफ्लाई को वहाँ पे बैंडेज लगा के या सनीप्लास्ट लगा के जो है वो पेशेंट के साथ हो गए, या उसी से कह दें कि आप अपना हाथ इसके ऊपर रख दें और साथ में आप ट्यूब यहाँ पे बदलते जाए। लैंसेट हमारे पास जितने किड्स रहते हैं या इन्फेंट्स रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। लैंसेट आर यूज्ड फॉर डिफ़िकल्ट वेन पंक्चर इंक्लूडिंग पेडियाट्रिक ड्रॉ। अगर आपको किसी भी तरीके से ब्लड नहीं मिल रहा, वेन से नहीं मिल रहा, आप फेल हो गए, आपको ब्लाइंड प्रिक से नहीं मिल रहा, आपको इवन फिर वेन डिटेक्टर से भी नहीं मिला, बिल्कुल आप जो है वो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सो देन यू हैव ऑप्शन फॉर लैंसेट एज वेल, तो आप लैंसेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और लैंसेट मोस्टली बच्चों के अंदर जो है वो रूटीनली यूज़ हो रहा होता है, आप उनके हील से, उनके एयर लोब से ब्लड जो है ले रहे होते हो, फिंगर टिप से जो है वो आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब ग्लूकोमीटर के ज़रिए घर के अंदर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस टेस्ट के लिए हमें एक कतरा जो है ब्लड चाहिए होता है, तो उसके लिए आपने लैंसेट का यूज़ करना होता है। हाँ, ये बात याद रखें कि जब आप यूज़ कर रहे होते हैं लैंसेट, तो फर्स्ट ड्रॉप जो है वो आपने क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, क्योंकि अंदर जो है वो डिफरेंट फ्लूइड है, कंटेमिनेशन हो सकती है, इवन आपने अल्कोहल स्वैब लगाया उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है, तो आपने उस फर्स्ट ड्रॉप को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, और सेकेंड ड्रॉप जो है वो आपने लेना होता है फॉर टेस्ट पर्पज़ या किसी भी और पर्पज़ के लिए, आप अगर कोई वेलोरमिन उसका टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आपने फिर रखना होता है। उसके साथ जो है वो आपके वेन्स जब डिटेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली आपने वेन को प्रोमिनेंट करना होता है। एक तरफ से तो आप उसको बोल लेते हो पेशेंट को कि आप अपने उंगली को या जो थंब है आपकी इसको आप अपने चारों उंगल के अंदर जो है वो मजबूती के साथ पकड़ ले, तो यहाँ नीचे से प्रेशर पड़ जाएगा, ऊपर से आप टॉर्निकेट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका जो मसल है जहाँ पे ट्राइसेप आपके है, तो और बल्कि एंटीक्यूबेटल से तीन फिंगर ऊपर जो है वो आपने ये टॉर्निकेट जो है वो बांधना होता है। ये इंशाल्लाह जब हमके हमारी फिजिकल क्लास होगी तो उसमें आप लोग ये परफॉर्म भी करोगे, ये टॉर्निकेट सिरिंज वगैरह ये आपने खुद परफॉर्म करना है। अब सिर्फ माइंड के अंदर रख ले, वर्चुअली हम इसको सिर्फ आइडियली बता सकते हैं, जब आपके हाथ में खुद टॉर्निकेट होगा और खुद आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसको कितना खींचना है, किस तरह खींचना है, कहाँ पे रखना है और कैसे जो है इसको इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना है, तो आपके वेन जो है वो सामने डिटेक्ट हो जाते हैं और फिर आप जो है वो ब्लड लेने में आसानी कर देते हो। ठीक है, अल्कोहल स्वैब, अल्कोहल प्रेप या पैड्स, इस तरह इसके डिफरेंट नाम्स हैं, और इसके अंदर जो है वो आपका 70% जो है वो इथेनॉल होता है, 70% आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर अल्कोहल स्वैब्स नहीं है स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि आपने वेन जब डिटेक्ट कर लिया, आपने टॉर्निकेट भी लगा लिया, आपने उसको कहा कि क्लोज योर फिस्ट भी हो गया, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो आपका क्या होगा कि आपने उस जगह को डिसइंफेक्ट करना है, और वो डिसइंफेक्शन जो है वो बेसिकली स्टरलाइजेशन के लिए ही होता है कि आप उसको स्टराइल कर रहे होते हैं, कि वहाँ पे अगर कोई इर्द गिर्द कोई कंटेमिनेशन थी, कोई बैक्टीरिया था, कोई ग्रोथ है, उसकी कम से कम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंस हो, बल्कि कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपने उसको क्या करना होता है, नीडल इंसर्ट करना होता है। नीडल जब आपने एक दफ़ा वहाँ पे स्टरलाइजेशन कर ली, उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर लिया, तो दोबारा आपने वहाँ पे कोई दोबारा उंगली नहीं लगानी फॉर अगेन री
डिटेक्शन के लिए, अगर आपने री डिटेक्शन कर लिया तो आप अब दोबारा से नहीं ये उठाएंगे अल्कोहल स्वैब उठाएंगे और दोबारा उस जगह को फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा डिसइंफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अल्कोहल स्वैब वगैरह वेस्कोडाइन ये हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो एंड पे जो है वो आपने वहाँ पे बैंडेजिंग करनी है, कोई कॉटन स्वैब रख ले या अगर कॉटन स्वैब नहीं है तो आप ये गाज जो है वो ये रख सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो आप सनीप्लास जो है वो रख सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि हमारे पास जो है वो सनी प्लास जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, एंड पे जो है वो आपने अब जो आपके पास सबसे ख़तरनाक आइटम है वो आपका नीडल है, तो आपके जो नीडल है वो बेसिकली अब आपने उसको ख़त्म करना है। अब उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, ऑब्वियसली दो तरीक़ेकार है, एक तो आपके पास इलेक्ट्रिकल नीडल बर्नर होता है, आपने नीडल को उसके अंदर रखना होता है और वो उसको बर्न कर देगा, ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली। और दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पे कटर होता है, तो आपने उस कटर के ज़रिए नीडल को, यहाँ पे दो होल्स होते हैं, एक ये वाला नज़र आ रहा है आप लोगों को और एक ये वाला आ रहा है, तो इसमें आप सिरिंज के हब को भी कम्प्लीटली इसको फिर आपने यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आना होता है, तो कम्प्लीटली जो है वो आप हब के साथ इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ नीडल ख़त्म करना है तो यहाँ पर आप नीडल जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक सेफ मेथड होता है, क्योंकि नीडल्स से बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। नीडल अगर लेट सपोज आपके पास जो भी पेशेंट आता है, ऑब्वियसली वो तो कोई इन्फेक्शन लेके आया है, और हम जब पेशेंट को डील कर रहे होते हैं तो आपके पास हर पेशेंट जो है वो इन्फेक्टेड था, है, रहेगा, आपने ये जहन के अंदर सोच में ले, आपने अपने सोच के अंदर यही लेके आनी है। अगर आप थोड़ा सा ईजी हो गए तो इसका मतलब ये है कि कोई एक दिन आएगा जिसमें आप किसी ऐसे ख़तरनाक पेशेंट को या किसी ऐसे खतरनाक बीमारी वाले पेशेंट को डील करेंगे, और खुदा ना खास्ता आपको अगर खुद नीडल प्रिक इंजरी हो गई तो फिर वही वायरस या वही बैक्टीरिया आपके खून के अंदर भी शामिल हो सकता है, या आप छोड़े खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे कोई हाउस कीपिंग है तो फॉर सेफ्टी पर्पज़ जो है वो आपने उस नीडल को लाजमी बात है कि उसको ख़त्म करना होगा। अगर आप उसको ऐसे ही डाल लेंगे तो आपके कचरा उठाने वाले, जिसको जिनको हम हाउस कीपिंग कहते हैं, कचरा उठाने वाले, मैंने वर्ड जो है वो सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया, कोई भी हो सकता है, ए बी सी कोई भी हो सकता है, वो बेचारा किसी का गरीब बच्चा भी हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे होते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है वो अक्सर आप बाहर रोडों के ऊपर भी देख रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं। आपके घर के अंदर अगर आपने यूज़ किया होता है तो आप मोस्टली कहाँ पर डाल लेते हो, डस्टबिन के अंदर डाल लेते हो, डस्टबिन में सुबह जो है वो कूड़ा वाला आ जाता है और आप उसको दे देते हो। अब उसको अपने हाथ, आपने उसको देखा होगा कि उसके हाथ कौन से जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे होते हैं, कौन से उसने ग्लव्स पहने हुए होते हैं, कौन से उसने जूते पहने हुए होते हैं प्रॉपर, ठीक है। हर किस्म का जूता इज नॉट सेफ्टी जूता, ये शहजाद साहब को बड़ी अच्छी तरह पता होगा, इन्होंने हमारे साथ OSH कोर्स किया भी है और हमारी एक और स्टूडेंट है वो भी कर रही है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये किसी एक बंदे की जान जो है वो ले सकती है, और अगर आप ये सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आगे बहुत बड़ी हो सकती है। और इसी को आगे हम जो है अपने PPE वाले लेक्चर की तरफ लेके जाएंगे, इसी वजह से जो है वो मैंने ये बात करना शुरू कर दी। तो खुदा ना खास्ता अगर नीडल स्टिक इंजरी हो भी जाए तो फिर भी आपके पास तरीकाकार है कि नीडल स्टिक इंजरी को मैनेज जो है वो कैसे किया जाएगा, क्या तरीकाकार होगा। ओके, अच्छा, एंड पे जो है मैं आपको ये दिखा रहा था कि ये एक डिटेक्टर है जिसको हम कहते हैं वैन डिटेक्टर, और ये जो एक रेज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपने देखे कि इसके एंटी कैपिटल एरिया के ऊपर जो है वो ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इस बंदे को अब यहाँ पे वेंस आसानी से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ये फ्लो नज़र आ रही है। तो इंफ्रारेड्स होते हैं बेसिकली, और इसको जो है वो डिटेक्ट किया जाता है, ये वेन डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, कि ऑर्डर ऑफ ड्रॉ में हमने ये पढ़ा कि बेसिकली हम जब ब्लड ले रहे होते हैं तो हम रेंडमली ब्लड नहीं ले सकते, मल्टीपल टेस्ट अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो यू शुड हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ CLSI।
ठीक है, आप उसके थ्रू जाएंगे, और उसके थ्रू जब आप जाएंगे तो आपने अपने लैब के अंदर पोस्टर्स वगैरह या स्टिकर्स वगैरह या आप लिख दे जिस तरह भी हो, लेकिन ये आपने प्रॉपर रूल जो है वो फॉलो करने हैं। क्यों करते हैं? इस वजह से करते हैं कि एक ट्यूब का दूसरे ट्यूब के अंदर जो है अगर कोई कंटेमिनेशन जाती है तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अगर EDTA जो है वो सोडियम साइट्रेटेड ट्यूब के अंदर चला गया तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर वहाँ से आप सीरियली जाएंगे तो आप इन चीज़ को क्या कर रहे हैं, कम से कम कर रहे हैं, आप इसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये श्योर कर रहे हैं कि हम जो तरीक़ेकार कर रहे हैं इसमें कोई कंटेमिनेशन के चांसेस या रिफ्लक्स के चांसेस जो है वो नहीं हो सकते, पहली चीज़। दूसरा जो पॉइंट था वो यही था कि आप इसके साथ साथ जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है उसको भी आप क्या कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई आपका ट्यूब नंबर वन जो है जिसको हम कहते हैं कल्चर बॉटल, तो कल्चर बॉटल जो है वो आपका फर्स्ट होता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि आपके किस तरीके से आप जो है वो ब्लड ले सकते हैं और वो क्या होना चाहिए, तो आप उसके ज़रिए सिरिंज के ज़रिए ले रहे होते हैं। सिरिंज जो है वो दो पार्ट्स के अंदर होता है, एक जो है वो आपका मेनली जिसको हम सिरिंज कह रहे होते हैं और दूसरा जो है वो हम उसके नीडल को जो है वो देख रहे होते हैं। दोनों के टिप बैरल प्लंजर, टिप बेबल और बैरल होता है। फिर उसके बाद सेफ्टी मेजर्स जो है वो आपने लेने होते हैं और आपने रीकैप करना होता है, आपने डबल हैंड से जो है वो यूज़ नहीं करना होता, आपने इसको कट करना होता है। फिर उसके बाद जो है वो आपने देखा कि नीडल्स भी हमारे पास डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जो जो सबसे बड़ा गेज होता है वो नीडल जो है वो पतली सी होती है, यानी आप उसे बच्चों के या ओल्ड एज से या इस तरह के पेशेंट से ब्लड ले सकते हो, जिसकी गेज जो है वो सबसे कम होती है उसका नीडल जो है वो सबसे बड़ा होता है। फिर आपने देखा कि होल्डर के ज़रिए भी हम ब्लड ले रहे होते हैं, ब्लड जब हम ले रहे होते हैं तो आप पेशेंट को मेनली फोकस करते हैं उसके आर्म के ऊपर, और वहाँ पे आपने जो मेन फोकस है आपने क्या करना होता है कि एंटी क्यूबिटल वेन या जिसको हम मीडियन क्यूबिटल वेन कहते हैं, सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन, फिर दो जो है वो आइडियल थे हमारे पास, सेफेलिक एंड बेसिलिक, जो सॉरी सेफेलिक और एंटीक्यूबेटल, जो बेसिलिक था वो क्यों जो है वो वेन ऑफ चॉइस नहीं है, इस वजह से नहीं है कि नीचे जो है वो बेसिलिक नर्व जा रहे हैं और वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो आपकी हैंड की मोमेंट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, वहाँ पर नमनेस आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे के लिए जो है हम अवॉइड करते हैं आपके बेसिलिक वेन को। देन आप जो है वो प्लेस ट्यूब इनटू द होल्डर, आप यहाँ पे इंसर्ट करते हो वेन को और नीडल जो है ये बेवल यहाँ पे अप होगा, ये होल्डर है और ये क्या है आपका ट्यूब है। फिर उसके बाद वेन जो है वो आपको पता चल गया कि ये वेन रहते हैं। लैंसेट, लैंसेट भी ब्लड लेने के लिए जो है वो एक तरीक़ाकार है और इसमें हम ज़्यादातर POCT यानी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग, जिसके लिए आपको कम ब्लड चाहिए होता है या पेशेंट बेड साइड के ऊपर ही आप परफॉर्म कर देते हो, तो इस जिसमें से एक एग्जांपल जो है बड़ी आसान और सबको पता है कि वो कौन सी है, वो ग्लूकोमीटर की है, कि ग्लूकोमीटर जो है उसके लिए एक ब्लड एक हो ड्रॉप ऑफ ब्लड जो है वो चाहिए होता है, तो उसके लिए आप लैंसेट के ज़रिए जो है उसके फिंगर टिप से, उसके एयर लूप से या हील से जो है वो ब्लड ले सकते हो, और एंड पे जो है वो फिर आपका नीडल कटर जो कि नीडल को क्या करता है, कट करता है या बर्न करता है। तो ये हमारे पास जो था ये पहला आपका लेक्चर है, और दूसरा जो है वो आपका आएगा इसी नीडल कटर को जो है वो हम आगे लेके चले जाएंगे PPEs की तरफ। ठीक है, PPEs बेसिकली होते क्या है, PPEs हम कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को। ओके, जो बंदा जिस ऑक्यूपेशन के अंदर भी काम कर रहा होता है तो ही मस्ट नो अबाउट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आर हिज सेफ्टी। सेफ्टी अब क्या है, सेफ्टी अपनी भी है, सेफ्टी दूसरे बंदे की भी है, और सेफ्टी जो है वो इकोसिस्टम की भी है, यानी आपने एक वक्त में तीन डिफरेंट लोगों को या तीन डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या करना होता है, बचाना होता है। आप अगर अपनी सेफ्टी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद अपनी जान जो है वो किसी ऐसे ख़तरनाक बीमारी से या ऐसे हार्म से या ऐसे हैज़र्ड से बचा रहे हैं जो कल के लिए आपके लिए कुछ
खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, आप अपने आप को बचाएंगे तो आपके साथ जो मुंसलिक और लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके रूटीन कलीग्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपका जो साइकिल है, आप उनको भी बचा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने आप को वहाँ पे नहीं बचाया, या लेट्स सपोज आप अपने आप को मतलब केयरलेस है आप, ओके, आप बगैर ग्लव्स के काम कर रहे हैं, आप कोई परवाह ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद तो लापरवाह है, लेकिन साथ में आप एक और बड़ा ब्लंडर और एक और बड़ा क्राइम कर रहे हैं कि इसी हाथों से आप किसी दूसरे को शेक करेंगे। आप घर आएंगे, अपने बच्चों, बीवी, वालदेन के साथ जो है बैठेंगे, अब आपके वो गंदे हाथ, जिसको हम जो है वो कंटेमिनेटेड हाथ कह सकते हैं, वही हाथ आप अपने वालदेन को देंगे। मोस्टली वालदेन जो है वो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग इतनी नहीं होती, आप वही चीज़ जो है वो अपने घर के अंदर लेके आ रहे हो। इंटेंशनली तो कोई भी नहीं करता, लेकिन अनइंटेंशनली आपकी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से वो जरासीम आपके घर के अंदर आ गया, आपके बच्चों के अंदर, आपके वालदेन के अंदर जो है वो क्या हुआ, इन्वेड हुआ। तो कौन वेक्टर बना? वेक्टर आप खुद बने, और किस वजह से बने? लापरवाही से बने। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा जो है वो क्या है, आपका इकोसिस्टम है। पहले जो है वो आप खुद वेक्टर बने, बगैर किसी वजह से, पीपीई का इस्तेमाल ना करके, लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से आप खुद बने। उसके बाद आपने उसको माशरे के अंदर जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से पहला जो आपका मेन टारगेट है वो क्या है, आपका अपना घर। ठीक है, आप गाड़ी में आए, गाड़ी से घर में आए, ओके। अब इसके बाद आप जब आ रहे थे तो ऑब्वियसली एक तो आपने अपने घर को जो है वो क्या कर दिया, कंटमिनेट कर दिया, उसको लेके आपने ये बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब घर वालों के भी आगे जो है वो रिलेशन्स होंगे, बाजार जाएंगे, दुकान में जाएंगे, पढ़ाएंगे किसी को, स्कूल जाएंगे, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब इकोसिस्टम को भी पूरा क्या कर रहे हो, अब घेरे में ले रहे हो। तो ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को कोविड के अंदर पता भी चल चुकी है। और कोविड के अंदर इतनी सख्ती क्यों थी? क्योंकि हमें अगर पता चल जाता था कि ये बंदा जो है ये कोविड पॉजिटिव है, तो उस बेचारे को बस कैद ही कर लिया जाता था। क्यों कैद कर दिया जाता था? इस वजह से कि उसके साथ किसी और की इंटरेक्शन ना हो जाए। इंटरेक्शन होगी तो वो इंटरेक्शन दर इंटरेक्शन और फिर पूरी सोसाइटी आपने देखी कि पूरी सोसाइटी जो है वो लॉकडाउन हो जाता था, पूरे गाँव को जो है वो लॉकडाउन हो जाता था, पूरी स्ट्रीट को लॉकडाउन हो जाता था। तो इस वजह से इस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, PPEs चाहिए होते हैं। और PPEs जो है ये मैंने बता दिया कि ये न सिर्फ एलाइड हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर चाहिए होते हैं, बल्कि आप जो भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो, जिस ऑक्यूपेशन के साथ आपका ताल्लुक है, उसके अंदर जो है वो अपनी सेफ्टी जो है वो लाजिम करनी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक ऑक्यूपेशन जो है उसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो डिफरेंट है निस्बतन किसी और की। अब आप अगर किसी डॉक्टर को देखेंगे तो उसका जो मेनली क्या होता है, गाउन उसने पहना हुआ होता है। आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट को देखेंगे, लैब कोट पहना हुआ होता है उसने। अगर लैब के अंदर जो काम कर रहे होते हैं बच्चे, तो आपने देखा होगा कि उनके प्रॉपर शूज़ होते हैं, ओपन शूज़ नहीं होते, लॉन्ग नेल्स नहीं होते, ओपन हेयर्स नहीं होते। उन्होंने डिपेंड करता है कि कौन से लैब के अंदर काम कर रहे हैं, 1 में 2 में 3 में और 4 में। तो अगर 1 2 में कर रहे हैं तो उसकी PPE डिफरेंट होगी निस्बत। अगर 3 4 के अंदर काम कर रहे हैं तो हाईली सेंसिटिव काम कर रहे हैं विद हाई सेंसिटिव बैक्टीरिया और वायरसेस, और फिर वो जो है वो क्या कर रहे होते हैं 3 4 के अंदर, उसके मुताबिक जो है अपने आप को PPE कवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है टॉपिक, एक PPE है, दूसरा इम्पॉर्टेंस ऑफ PPE है, और डिफरेंट PPE यूज्ड एंड लैब्स है। अच्छा, अब ये मुझे याद पड़ रहा है कि शायद ये वाला जो मैंने आप लोगों को सेल्फ लव मोटिवेशन सेल्फ केयर और गुड मूड ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये ज़रा मुझे इसकी तसहीस फरमाइए प्लीज़। नहीं सर, एंड सर आपकी ना स्लाइड्स भी हमें शो नहीं हो रही हैं। अच्छा, स्लाइड जब शो नहीं हो रही तो आप मुझे बता दिया करें, ठीक है, जब मैं पूछ लेता हूँ तब आप बताते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने स्लाइड चेंज कर दी तो उसमें ये वाला, ओके। अच्छा, ये स्लाइड मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई? नहीं, ये नहीं पढ़ाई। ओके ओके, मैं थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता क्योंकि साथ में वो एक और कोर्स भी चल रहा होता है, तो उसमें तो पूरा यही है,
तो उसमें शायद मैंने पढ़ाई होगी, ठीक है. सो बाय सेफ्टी इज़ ऑल अबाउट लविंग योर सेल्फ. अब बाय सेफ्टी के सिफात बयान कर देते हैं, इसके तमहीद, इसको समझने के लिए जो है आपने बेसिकली वो तमहीद जो है उसको समझने की जब भी कोशिश करेंगे तो बाकी आपको बाय सेफ्टी जो है वो खुद समझ आ जाएंगे कि हम एक्चुअली कहना क्या करना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं और दिखा क्या रहे होते हैं, ठीक है. बात यह है कि अगर आपको सेल्फ लव है, अगर खुद अपने साथ जो है वो आपको अपनी कदर है, ओके, अगर अपनी कदर है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ओके. अगर आपको अपनी कदर नहीं है, आपको अपने साथ प्यार नहीं है, तो आप देवदास बन जाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, ठीक है, कोई परवाह ही नहीं होगी, बिखरे बाल और मैं संवरूं बनूं किसके लिए, तो वही बात हो जाएगी. तो आप मोटिवेशन नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है. आप लोगों ने देखा कि एक फिल्म थी, क्या नाम था उसका, देवदास था, और देवदास बड़ा अच्छा पढ़ के जो है वो बाहर मुल्क गया, फिर वहाँ से बहुत अच्छी डिग्री करके आया और फजूल में जो है वो किसी ऐसे काम में लग गया जो उसके नसीब में नहीं थी, और उसके बाद वो बेचारा कुत्ते की मौत मर गया वहाँ पे एक खातून के घर के सामने, ठीक है. तो मसला क्या था वहाँ पे, मसला ये था कि उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं हुई, ओके. उसने अपनी जो मोटिवेशंस थी, उसने अपनी जो सेल्फ केयर रखनी थी, वो सारी सारी चीज़ें जो है वो किसी गलत चीज़ के अंदर जो है वो क्या कर ली, यूटिलाइज कर ली. तो बात ये है कि जब हम किसी भी प्रोफेशनल के अंदर होते हैं तो नंबर वन रूल जो है वो आप क्या है कि आपने सेल्फ लव करनी है. अच्छा, ये सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, इसको आपने ये नहीं समझना कि बस बंदा खुद पसंदी का शिकार हो गया है, ये वो सेल्फ लव नहीं है, ओके. ये सेल्फ लव है किसके लिए, और लोगों के लिए है. आपका सेल्फ लव है तो आप मोटिवेट हो रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब के अंदर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जॉब में अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप दूसरों को भी अच्छा काम सिखा रहे हो, वहाँ पे आपका बहुत कुछ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रही है, वहाँ पे आप जब सही मोटिवेट हो रहे हो तो वही मोटिवेशन जो है वो आपको सेल्फ केयर की तरफ लेके जाएगी. आप सुबह सवेरे जो है वो सूटेड बूटेड अच्छे कपड़े पहन के लैब चले गए, अब लैब के अंदर आप जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि नहीं मैंने तो कोट पहना हुआ है, इस कोट को मैं कैसे उतारूंगा, मैं लैब कोट कैसे पहनूंगा. तो इसका मतलब यह है कि सेल्फ केयर अब नहीं है, ओके. सेल्फ केयर अगर होती तो इसका मतलब ये होता कि आप प्रॉपर ड्रेसिंग करते वहां पे लैब में जाके, ठीक है, वहां तक तो ठीक बात है, लेकिन जैसे ही लैब में चले गए तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप उस सेल्फ लव के बदले जो है अपनी सेल्फ केयर करेंगे. सेल्फ केयर कैसे करनी चाहिए कि आप वहाँ पे किसी ऐसे ख़तरनाक वायरस के साथ या किसी ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरिया के साथ डील कर रहे हैं जो कि वाकयातन क्या है, ख़तरनाक है. अगर ख़तरनाक है और आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ भी कर ले, मैंने तो ड्रेसिंग, प्रॉपर ड्रेसिंग यानी प्रॉपर पीपीई नहीं पहननी, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अल्लाह मालिक है, बस ठीक है यार करते जाओ, ये पूरी दुनिया चल नहीं रही है, कौन मर गया इससे, इस तरह की फजूल किस्म की बातें अगर आप शुरू कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे. सेल्फ केयर नहीं कर रहे तो आप हो सकता है कि किसी दिन क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे. अगर आप बीमार हो गए तो आपकी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाएगी, अगर आपकी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाएगी तो आपका मूड जो है वो ठीक नहीं होगा. अगर आपका मूड ठीक नहीं होगा तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट डे आप सेल्फ लव वाली हरकत तो खत्म हो गई, आपके तो सारे पैसे, आपके सारा जो एनर्जी थी, आपकी सारी जो एंथुजियास्टिकिज्म थी, वो आपकी जो मोटिवेशन थी, वो तो सब जो है वो हॉस्पिटल में चली गई, फार्मेसी के अंदर चली गई, बेड पे चली गई. तो मोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेट नहीं होंगे तो दोबारा सेल्फ केयर कहां से आएगा. तो इस वजह से ये पूरा एक साइकिल है. साइकिल में आपने यही याद रखना है कि इसमें अगर आपके पास किसी एक को भी हम हटा देंगे तो प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिटेरिएट कर देगी. लेट सपोज सेल्फ लव है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, मोटिवेशन नहीं है तो आपको वो काम करने की जुस्तजू जो है वो नहीं होगी, काम करने की जुस्तजू नहीं होगी, वो पैशन नहीं होगा, पैशन नहीं होगा तो आप कहेंगे यार पता नहीं कौन से अजाब के अंदर डाला हुआ है, ये काम कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप फिर पीपीई जो है वो नहीं पहनेंगे, कभी किया कभी नहीं किया, ऑन ऑफ रेंडमली टाइप के हरकतें करना शुरू कर जाएंगे, जिसकी वजह से भी आपका जो मूड है, आपकी जो आगे हेल्थ है, आपकी जो वेल बीइंग है, वो खतरे में पड़ सकती है. तो ये पूरा एक साइकिल है.
अच्छा सेल्फ लव भी कर रहे हैं, मोटिवेशन भी हो रही है, सेल्फ केयर भी कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो है वो आपको कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया, मूड ख़राब हो गया, नेक्स्ट डे आप घर चले गए या अगले शाम को आप घर चले गए, घर में आपका मूड ख़राब है, घर में भी तू तू मैं हो गई, ठीक है, बात बिगड़ गई, तो अब बात कहाँ से बिगड़ी है, बात आपके लैब से या आपके जहाँ पे आप ऑक्यूपेशन का काम, जो भी ऑक्यूपेशन था वो कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, जो भी आपका है इंजीनियरिंग में है, डॉक्टर है, आप टीचिंग करते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, दुकान चला रहे हो, इवन कुछ भी कर रहे हो आप वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से ही आपकी दिमाग जो है वो क्या हुआ, किसी ने ख़राब किया है या किसी वजह से ख़राब हुआ, तो वो भी आपके घर को भी क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है, उसको भी इफेक्ट कर रहा है, जब वो इफेक्ट कर रहा है तो उसके वजह से हो सकता है घर के अंदर कोई सीरियस किस्म की जो है वो अनबन हो जाए और फिर आपकी मोटिवेशन जो है वो क्या हो सकती है, ये रप्चर हो सकती है। बात कहने का मतलब यही था, इसको समझाने का मतलब यही था कि आप अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब की दुनिया अलग है और आपका घर अलग है, बल्कि हमारे पास पर्टिकुलरली हेल्थ प्रोफेशनल के पास तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप लैब से घर लेके चले जाते हो और घर से लैब लेके चले जाते हो। अगर लेट सपोज आप वहाँ से क्या चीज़ लेके जा सकते हो, घर से आप किसी कंटमिनेशन को लेके जा सकते हो, मिसाल के तौर पे आपने घर से टिफ़िन के अंदर कुछ फूड लेके गए हैं, फूड ख़राब हो के आप लैब चले गए हो, लैब जाके जो है वो कोई ऐसी कंटमिनेशन जो है वो हो गई, तो आपने पूरे लैब को क्या कर दिया, गंदा कर दिया, यानी इन्फेक्ट कर दिया। अच्छा, लैब के अंदर कोई ऐसा वायरस आ गया, ऐसे बैक्टीरिया आ गया, हेलिकोबैक्टर पायलोरी आ गया या हेपेटाइटिस बी हो गया या कोई भी चीज़ आ गई, तो आप वो कहाँ से लेके आ रहे हो, घर लेके आ रहे हो, तो ये पूरा साइकिल है। हम ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते कि आपकी एक दुनिया अलग है और दूसरी दुनिया आपकी अलग है, इसमें प्रोटेक्शन, उसमें सेल्फ केयर, उसमें मोटिवेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बायोसेफ्टी की बात करते हैं तो प्राइमरी कंट्रोल्स जो है वो बायोसेफ्टी के वो बेसिकली चार हैं, और उनको है आपका जो नंबर वन है वो इंजीनियरिंग है, दूसरी जो है वो आपकी पीपीई है जो आज का हमारा टॉपिक है, थर्ड जो है वो आपके एसओपीज है, और फोर्थ जो है वो आपकी लीडरशिप है। अब ये भी साइकिल है बेसिकली। अब आप देख रहे हो कि जो इंजीनियरिंग है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो कि इंजीनियरिंग के हिसाब से ठीक नहीं बनी हुई, वहाँ पे हैजर्ड्स जो है वो बहुत है, वहाँ पे अगर हैजर्ड्स बहुत है तो ऑब्वियसली रिस्क और जो आपके पास आने वाले हार्म है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी जो वैल्यू है वो आराम आराम से ऊपर जाती जाएगी। तो इंजीनियरिंग अगर आपकी ठीक है, मिसाल के तौर पे हम हेल्थ के बारे में सारी बातें कर रहे हैं, तो अगर आपकी लैब बनी हुई है तो लैब के अंदर आपके प्रॉपर मशीन कहाँ पे पड़ा हुआ है, आप अगर फिलबॉटमी कर रहे हैं वो रूम कितना स्पेस जो है वो अगर उसके ऊपर जो है वो कैपेसिटी है उसकी, उसके साथ वॉशरूम कहाँ पे है, किस तरह है, उससे कंटेमिनेशन आ रही है नहीं आ रही, एयरी है नहीं है, उसमें एयर की ज़रूरत भी है या नहीं है, वेंटिलेशन उसकी ठीक आ रही है नहीं आ रही, एयर फ्लो जो है वो अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। ओके, अच्छा, इसके साथ जो है वो आपका दूसरा जो है वो आपकी पीपी जिस पे हम बात करेंगे, इसको थोड़ा रख लेते हैं। एसओपीज है, एसओपीज क्या है कि आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, दूसरा बंदा है वो काम कर रहा है सही कर रहा है, एक तीसरा बंदा है वो काम कर रहा है वो कह रहा है मैं तो इस तरीके से करता हूँ ये काम, तो अब ये जो इस तरीके से ये काम कर रहा है दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है कि आपके पास एक लिखा हुआ एक लॉग बुक है जिसको हम कहते हैं एसओपी, और जो भी बंदा आए वो नया आए वो पुराना है वो एक्सपीरियंस पर्सन है वो कोई भी होगा वो उस एसओपीज के थ्रू जाएगा।
ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रोसीजरल एसओपीज होंगे, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे। कुछ एसओपीज जो है वो आपके एडमिन के हवाले से होते हैं, कुछ आपके ड्रेसिंग के हवाले से होते हैं, कुछ आपके वहाँ पे काम करने के तरीके के साथ होते हैं। तो उन एसओपीज को सब ने फॉलो करना होता है, वो ए है, बी है, सी है, कोई भी हो, उन सब ने अगर एक ही एसओपीज को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो वहाँ पे कोई ग्रेज जो है वो नहीं आएगा, उस चीज़ के अंदर जो है वो डिविएशन नहीं आएगी। अगर कहीं ना कहीं आप उस एसओपी को ब्रेक कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप हैजर्ड और हार्म को जो है वो आने की दावत दे रहे हो, क्योंकि अब आप एसओपी से डिविएट हो रहे हो। एसओपी से डिविएट हो रहे इसका मतलब ये है कि आपको किसी कच्चे सड़क पे आप जा रहे हो और कोई भी खाई जो है वो आपको अपने घेरे के अंदर जो है वो ले सकती है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, आपके प्रॉपर इंजीनियरिंग होने चाहिए, प्रॉपर एपीपीज होने चाहिए, प्रॉपर एसओपीज, और उसके ऊपर जो है वो आपने उसको ओबे भी करना चाहिए। थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो आपका लीडरशिप है। लीडरशिप जो है वो एक बॉसी माइंड होता है, एक लीडरशिप माइंड रहती है। ठीक है, बॉसी माइंड का अंतर ये है कि वो आपकी गलतियाँ पकड़ेंगे, वो अपने आप को ऊपर समझेंगे, वो आपको देखेंगे, उसको ये काम नहीं है, उसको इस चीज़ से बिल्कुल भी सरोकार नहीं है कि आप काम सीखे नहीं सीखे, ठीक है, किस तरह भी करे किस तरह भी ना करे, उसको बस मज़ा इस चीज़ में आता है कि आपकी कोई गलती सीखे, वो अपने आप को बड़ा पहचान बड़ा मनवाने की जिद में हो, वो सबके लिए जो है बराबर नहीं होता, जो उसको पॉलिश और बटरिंग करेंगे तो शायद उनके साथ उनके ताल्लुक जो है वो ठीक होगा, बल्कि वो उससे खुश होता है। लीडर के अंदर क्वालिटीज जो है वो डिफरेंट होती है। लीडर जो है वो आपको हेल्थ केयर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो लीडर अब इस सिनेरियो के अंदर कौन हो सकता है, वो आपको पहले इंजीनियरिंग के बारे में भी बताएगा। जब आप उसके लैब जाओगे या उसके हॉस्पिटल जाओगे तो पहले तो उसके एसओपीज के बारे में वो बताएगा। ठीक है, अक्सर यही होता है, आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू जाओगे, वो आपको एक पेज करवा देगा, आपको जेडीज दे देगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आपको वो एसओपीज दे देगा, जेडीज दे देगा, कुछ भी दे देगा रिटर्न के अंदर, या बोल के या किसी सुपरवाइजर को बोल के बता देगा कि इसको समझा दे, या किसी सीनियर को बता देगा, इसका मतलब यह है कि ये बंदा लीडरशिप की क्वालिटीज का हकदार है। उसके बाद आप जब एसओपीज के थ्रू जाएंगे तो ऑब्वियसली एसओपीज के थ्रू जो है आपकी पीपीज भी आएंगे, कि आपने जब आना होगा तो आपने प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहने होंगे। जब आप उस काम को देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो पहले ही दिन पूरे हॉस्पिटल का या पूरे लैब की जो है वो एक विजिट करवाएगा, ये एग्जिट है, ये इसका ये एरिया है, ये इसका ये सेक्शन है, यहाँ पे आता है, एक फ्लो आपको बता देगा, एक फ्लो आप समझ जाएंगे। ठीक है, लीडरशिप जो है वो साथ में आपको क्या करवाएगा, आपको जिस तरह आप आए थे पहले दिन आप उस तरह नहीं रहेंगे, बल्कि डे बाय डे आप अपने अंदर अपने सोच के अंदर कुछ ना कुछ चेंज महसूस करेंगे, उनके बातों के साथ, उनके किरदार के साथ, वो जो कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि लीडर है, लीडर जब है तो वो प्रपोजल बनाएगा तो भी आपको समझाएगा, वो अगर कोई नई टेक्निक लेके आएगा तो भी आपको समझाएगा, वो अगर कोई ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा है तो भी आपको समझाएगा। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, हो सकता है वक्ती तौर पे वो गुस्सा हो जाए, फौरन जो है वो गुस्सा हो जाए, लेकिन बाद में आपको उस चीज़ को समझाने के तरीक़ेकार जो है वो आपको लायामल जो है वो समझ में आ जाएगी। इसी तरह जो है वो आपका वो प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन रखेगा। अब मिसाल के तौर पे कोई एक नई टेक्निक आ गई है, कोई नया इक्विपमेंट आ गया है, तो बात ये नहीं होगी कि खुद सीखो, यूट्यूब पे जाके सीख लो, ऐसा नहीं होगा, वो प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएगा उस चीज़ को, वो हर बंदे को देखेगा, या उसके लिए जो बंदे होंगे वहाँ पे जो उसके सेक्शन के अंदर होंगे उनको कोई वर्कशॉप करवा के दे देगा, उनको कहीं भेज देगा कि यार आप वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे ये ट्रेनिंग करके सीख जाए। तो वो उनको आपके एजुकेशन के साथ भी क्या होता है, एक तलब रहती है कि मेरा जो एम्प्लॉय है या जो मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं या जो मेरा सब ऑर्डिनेट है वो आगे जाए, वो आगे कुछ सीख ले। बॉस के अंदर ये चीज़ें फिर नहीं होती। बॉस के अंदर अगर कोई बन्ने खान बनने की कोशिश कर रहा है तो वो कहेगा अच्छा मेरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो हमेशा कोशिश किया करें कि आपके अंदर लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज़ है, बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो हमेशा जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आए। लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो है वो प्राइमरी कंट्रोल है बायो सेफ्टी के अंदर। अगर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को हटा देंगे और इंजीनियरिंग भी है, पीपीई भी है, एसओपीज भी है, होगा क्या, आपके जो प्रीवियस साइकिल थी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी लैब बनी हुई है, बहुत अच्छे एसओपीज पड़े हुए हैं, लेकिन एक बदकिस्मत किस्म का
بدتمیز قسم کا جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ سپروائزر اللہ تعالیٰ نے منسلک وہ کیا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, جو بھی کیا ہوا ہے تو مسلط کیا ہوا ہے. تو ایکچولی اب آپ کا موڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا, آپ ڈر ڈر کے کام کریں گے, آپ جو ہے وہ فریلی کام نہیں کر سکتے, آپ نیچرل اس میں نہیں رہ سکتے. تو آپ کوئی غلطی کریں گے تو آپ کو ڈر ہوگا کہ یار کل کے لیے مجھے جاب سے نکالیں گے. لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ آپ کی غلطیاں بھی ہوں گی, بلنڈرز کو میں نہیں بول رہا, ٹھیک ہے, سم آر بلنڈرز جو کہ آپ کو پہلے جو ہے بتا دی چکی ہوتی ہے سو پیس کے اندر آپ نے اگر پڑھی ہوئی ہے, کیونکہ آپ خود بھی آئیڈیل تو نہیں ہو. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہ سمجھے کہ لیڈرشپ آئیڈیل ہونی چاہیے تو میں جاب سے بھی نہیں نکالا جاؤں گا, مجھے کوئی پلانٹیز بھی نہیں لیں گے, مجھے غصہ بھی نہیں ہوگا. نہیں, آپ بھی آئیڈیل نہیں ہو, آپ اس سینیریو کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو گے. اگر آپ آئیڈیل کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے ایس او پیز کے تھرو ہی جانا ہوگا, تو تب جو ہے وہ آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, وہ لیگ پولنگ جو ہے اس کی کوشش نہیں کرتا. جب کوئی اس طرح کا میٹر ہوتا ہے تو اس میں وہ ہمیشہ میں کا ورڈ یوز نہیں کرے گا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, کام کسی دوسرے نے کیا ہے, ٹیم ورک کیا ہوا ہے. اس کے الفاظ میں آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ وہ وی کا ورڈ یوز کر رہے ہیں, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہوا ہے, ہماری ٹیم نے ایسے کیا ہوا ہے, ہماری ٹیم کی بڑی قدر ہے, ہمارے سب کچھ جو ہے وہ وی کے ذمہ میں کر دیں گے. کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے, اسمارٹ لوگ ہیں آپ سب, ٹھیک ہے, جب کوئی اس طرح کی بات کرے, ایون گھر کے اندر بھی ہوتا ہے, تو گھر کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے فیملیز کے اندر بھی ہوتے ہیں, ہمارے سوسائٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں کہ کام کسی اور نے کیا ہوتا ہے, لیکن ایک بندہ جو بولنے والا اچھا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور میں کر کے جو ہے وہ بس بات ختم کر دیتا ہے. تو وہاں پہ بھی ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں اس کو سننے والے, ان میں بھی جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں اور جن کے اندر یہ کوالٹیز ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے, سمپل بات یہ ہے کہ کام کسی اور نے کیا ہوا ہے, کریڈٹ جو ہے وہ یہ لے کے جا رہا ہے. سو بائی سیفٹی کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دا ٹرم بائی سیفٹی ریفرز ٹو دا یوز آف اے اسپیسیفک پریکٹس, سیفٹی اکوپمنٹس اینڈ اسپیشلی ڈیزائن بلڈنگس ٹو انشیور دا ورکرز, دا کمیونٹی اینڈ دا انوائرمنٹ آر پروٹیکٹڈ فرام ایکسیڈنٹل اور ان انٹینشنل ریلیز آف انفیکشیس ایجنٹ, ٹاکسنس اینڈ ادر بایولوجیکل ہیزرڈز. اب اس میں یہ ساری کہانیاں ساری اپنی چیز جو ہے وہ ایک ایک چیز کی امپورٹنس ہے. اوکے, رادر وہ ہمارے پاس بلڈنگز ہے, وہ ہمارے پاس ڈیزائن ہے, وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن جو ہے یا ایکسیڈنٹل ایکسپوجر ہے, لیکن ایک چیز جو ہے اس میں بہت خطرناک ہے, وہ ہے ان انٹینشنل ریلیز آف انفیکشیس ایجنٹ. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم بہت سارے ایسے ہیلتھ ورکر وہ قصدن جو ہے وہ ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن ان انٹینشنلی اس سے وہ کام ہو جاتے ہیں. اور وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پی پیز کے اندر کوئی جو ہے وہ گاربیج آ جاتا ہے, کوئی بریک لگ جاتا ہے, کوئی وہ چیز اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, یا اس کے ذہن جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو ان انٹینشنلی یہ انفیکشنز ایجنٹ, ٹاکسن اور بایولوجیکل ہیزرڈ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اب بات بینگ ایز اے سیفٹی آفیسر آپ لوگوں کی کیا ہے, آپ نے ان لوگوں کو ایموشنلی جو ہے یہ چیز سمجھانی ہوتی ہے, سائنٹیفکلی یہ چیز سمجھانی ہوتی ہے اور ریلیجیسلی یہ چیز سمجھانی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے اوپر سب سے مین جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریلیجیسلی, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا مین اثر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایموشنز ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو یہ, جب کوئی نیا بندہ آتا ہے یا ایون پرانے ہے اور وہ آرڈرز کو اوبے نہیں کر رہے, وہ کسی انسٹرکشنز کو اوبے نہیں کر رہے, وہ اس سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بات جو ہے وہ ایموشنز اور پلس ریلیجیس جو ہے ٹچ آپ نے دینا ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ ہمیں, میں بھی یہی کرتا ہوں کہ ہم جب کرتے ہیں تو میں جب بائی سیفٹی سٹارٹ کرتا ہوں تو ہمیشہ ایک حدیث سے جو ہے وہ میں سٹارٹ کر لیتا ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی و یدی, کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ کیا رہے, محفوظ رہے. اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا سینیریو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن اس میں ہم بائی سیفٹی سے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اب زبان جو ہے وہ آپ کا کیا ہے, سافٹ اسکل ہے, ٹھیک ہے. سافٹ اسکل کیا چیز ہے؟ کہ آپ کسی کو سمجھائے. ایس او پیز کیا ہے؟ آپ کے سافٹ اسکلس کے اندر آپ بولیں گے تو تب جو ہے وہ چیز اس کو تو سمجھ آئے گی نا, آپ پراپر اس کو سمجھائیں گے, ٹریننگ آپ کریں گے تو اس کی چیزیں کیا ہو رہی ہے کہ وہ سمجھا رہے ہیں. اگر آپ ان کو نہیں سمجھا رہے, کو غصہ کر رہے, یہ چیز مجھے نہیں آتی, پتہ نہیں, دیکھ لو وہ دیکھ لو, تو یہ زبان سے وہ محفوظ نہیں رہا.
ठीक है, आप उसके लीडरशिप वाली क्वालिटीज उसके अंदर नहीं आए, वो बेचारा जो है वो गुड मूड लेके घर नहीं जाएगा। तो एक तो ये चीज आ गई, दूसरी ये है कि आपके हाथ से बंदा महफूज रहे। अब आप जितने भी काम कर रहे हैं लैब के अंदर, वो आप किन चीजों से कर रहे हैं? हाथों से ही कर रहे हैं। अब ये जो हाथ है आपको अल्लाह ने दिए है, तो ऑब्वियसली ये कंटेमिनेट भी होंगे, हर रोज होंगे। आपने अगर ग्लव्स नहीं पहने तो ये कंटेमिनेट हो गए, बाहर आए आप हाथ में लाया वो कंटेमिनेशन किसी और को चली गई, आप लैब कोट पहन के ही बाहर आ गए और कैफे गए, वहां पे खाना खाया, ये क्या कर रहे हैं आप? कंटेमिनेट कर रहे हैं। आप उसी लैब कोट को लेके जो है वो बस के अंदर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपने हाथों से दूसरे मुसलमानों को, दूसरे लोगों को, इंसानियत को क्या कर रहे हो? नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो इसी तरह अब क्या करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए। किन लोगों के ऊपर? अगर वो एक्सपीरियंस भी है वो बात नहीं मान रहे, अगर वो नए है वो नहीं मान रहे, तो फिर आपने उसको इस अंदाज से जो है वो लेके जाना होता है। इमोशन टच के अंदर जो है आपने देखा होता है कि जब हम स्पीड लगाते हैं गाड़ियों में, अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो हमें जो है वो अक्सर मोटरवे के ऊपर जो है वो लिखा हुआ होता है कि आपकी फैमिली इंतज़ार कर रही है, फलां ये हो रहा है, वो ये हो रहा है, इस तरह के डिफरेंट जो है वो तस्वीरें या फोटोज इस वो से, तो इस बंदे का माइंड क्लिक करता है। अल्लाह ने अकल दी है, अशरफुल मखलूकात इसी वजह से आपको कह रहे हैं कि आपको अल्लाह ने अकल दी है, आप सोचते हो तो आपको अपने घर की याद भी आ जाती है कि हाँ ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये क्या है, ये आपने बींग एज ए सेफ्टी ऑफिसर फिर आपने इनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। ठीक है, तो फिर आगे मैं क्लाइमेट और कल्चर के बारे में भी बताऊंगा कि क्लाइमेट और कल्चर क्या है। तो आपने वो कल्चर बनाना है, वक्ती तौर पे एक चीज़ को दिखाना नहीं है। ओके, कि मिसाल के तौर पे अगर कोई इंस्पेक्शन करने आ रहा है वो दिन और जो नॉर्मल दिन होता है, दोनों दिनों के अंदर फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो नहीं हो, आप स्टैंडर्ड से डिविएट हो रहे हो। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव क्या चीज़ है? आमतौर पे इनको हम कहते हैं PPEs, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंक्लूड ग्लव्स मेनली, मास्क, लैब कोट्स एंड अदर वेयरेबल इक्विपमेंट्स सच एज सेफ्टी ग्लासेस एंड रिस्पायरेटर्स दैट प्रोटेक्ट लेबोरेटरी वर्कर्स फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट एंड टॉक्सिन इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये PPEs जितने हमारे पास होते हैं मेनली इनके अंदर आपकी जो क्लॉथिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके आईज यानी जहाँ जहाँ से आपको पता है कि इससे मुझे कोई डिजीज़ आ सकती है। अब गॉगल्स जो है या स्पेक्टिकल्स क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि कोई ब्लड और ड्रॉप जो है वो आपकी आंखों के अंदर चला गया, इन्फेक्शियस कॉज हो जाएगी। आप जो है अगर लैब कोट नहीं पहन रहे तो वो वहाँ पे कोई स्टेनिंग लगी हुई है या कोई ऐसी चीज़ के साथ आप काम कर रहे हो तो वो आपके क्लॉथ के ऊपर जो है वो लग सकती है। ओके, फिर आप जहाँ पे सांस ले रहे हो, मास्क आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ से वो आपको अंदर जो है वो क्या कर सकता है, मसले खड़ा कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो अगर टीबी है किसी को और वो सैंपल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है या टीबी लैब के अंदर काम कर रहा है और ऑब्वियसली अब वो रिसीव कर रहा है किसी टीबी सैंपल को, तो अब वहाँ पे आपने कौन सा मास्क यूज़ करना है? नॉर्मल मास्क यूज़ करना है, N95 यूज़ करना है, रिस्पायरेटर यूज़ करना है, किस तरह आप उसके अपने आप को बचाएंगे? अगर नहीं बचाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके हो सकता है, क्योंकि वो एरोसोल ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है, वो आपको भी इन्फेक्ट कर देगा, आपको इन्फेक्ट कर देगा, प्रॉब्लम जो है फिर वही पहले नंबर स्लाइड नंबर 1 पे बात आ जाएगी कि मामला जो है वो क्या हो गया, खराब हो जाएगा। तो PPEs बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन है, और इसके अंदर जो है लंग्स, आईज, स्किन, बॉडी, ये आपने बेसिकली क्या करनी होती है, बचानी होती है। सो मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ इंक्लूड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग and supervision to encourage people to work safely and responsibly. Even where engineering controls and safety systems of work have been applied, some hazards might remain. जिसमें से आपके लंग्स, आई, स्किन और बॉडी आती है। फ्रॉम लंग्स जो है वो आपको क्या हो सकता है, कंटेमिनेटेड एयर आपकी ब्रीथिंग की वजह से लंग्स को मसला पैदा कर सकता है। आईज जो है कोरेसिव लिक्विड्स होते हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लाइंग पार्टिकल्स जितने होते हैं कोरेसिव मटेरियल के साथ जो है वो आपकी स्किन को एलर्जी वगैरह ये हो सकता है। एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम क्लोड की वजह से आपकी बॉडी जो है उसमें मसले आ सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो लैब कोट होते हैं पहला नंबर का PPE,
तो वो ये है ब्लू कलर लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है, और जनरली आप जनरली के लिए जो है ये वाइट लैब कोट जो है वो भी पहन सकते हैं। ये ओपन नहीं होना चाहिए, इसको आपने क्या करना होता है, बंद करना होता है। स्पेशल फीचर्स ऑफ लैब कोट्स क्या होंगे कि मेडिकल लैब कोट्स आर स्पेशली डिजाइन टू टेक एन ऑफ फास्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंटल स्पिल्स, दैट इज व्हाई यूजुअल नी लेंथ वाइड लैब कोट्स आर स्नैप क्लोज्ड व्हाइल शॉर्टर वंस आर इक्विप्ड विद जिपर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी नी लेंथ तक होने चाहिए। आपको एक्सीडेंटल स्पिल अगर होते हैं, कोई चीज़ आपको लग जाती है वो आपको बचा देते हैं, और इसको आप जल्दी से उतार सकते हो। इसमें जिपर भी आते हैं, इसमें बटन के भी आ सकते हैं। आपके बाजू जो है वो पूरे होने चाहिए, कुछ लोग यहाँ से काट देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये भी बंद होने चाहिए। तो ये लैब कोट जनरली आप सबको पता है कि इसको यूज़ होना चाहिए, और सिर्फ लैब पर्पज़ के लिए या हेल्थ पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। बाकी भी इधर उधर आप लोग इसको देख रहे होते हैं, तो लैब कोट साफ़ होने चाहिए। आपके पास दो लैब कोट होने चाहिए। लैब कोट के कॉलर के ऊपर जो है वो मेल नहीं होने चाहिए। लैब कोट प्रॉपर आयरन किया हुआ हो, अच्छे कपड़े से बना हुआ हो, और ऐसा लैब कोट हो जो आपके बॉडी के ऊपर सूट भी कर रहा हो। कुछ बड़े अच्छे फिजिक के मालिक होते हैं, लेकिन लैब कोट उन्होंने ऐसे पहना हुआ होता है जैसे कि लगते हैं कि कोई जो है वो खलाई मखलूक आ चुकी है, तो उनके बॉडी के ऊपर फिर वो सूट नहीं करते। तो आपके एक ड्रेसिंग है ये प्रॉपर, आपकी पीपीई है, तो आपकी पीपीई आपके शान के मुताबिक होने चाहिए, आप अच्छे लगते हो। अगर उस तरह नहीं है तो फिर आप कोई अजीब सी जोकर टाइप के जो है वो लग रहे होते हैं फिर आपके अंदर, और जो और लोग लैब कोट पहन रहे होते हैं इधर आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनमें फिर फ़र्क होना चाहिए कि यार आप जिस आइडियली काम कर रहे हो उस काम के लिए कौन से लैब कोट होने चाहिए, बाकी जहाँ पे होना चाहिए उनके लिए कहाँ पे होना चाहिए। कुछ लैब कोट आप पर्पज उसके लिए हिजाब पर्पज़ के लिए भी देख रहे होते हैं, तो अब ये आपने वेरी करना है, आपने देखना है कि किस सिनेरियो के मुताबिक जो है वो आपने लैब कोट बनाना होता है। तो ये बहरहाल लैब कोट पर ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, ये आपको पता है और किस तरह होना चाहिए। दूसरा जो है वो हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हेलमेट्स हो सकते हैं, गॉगल्स और अदर इक्विपमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट द वेयर बॉडी फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शस। द हैजर्ड एड्रेस बाय प्रोटेक्टिव इंक्लूड फिजिकल, इलेक्ट्रिकल, हीट, केमिकल, बायोहैजर्ड एंड एयरबर्न पर्टिकुलेट मैटर। अब ये याद रखें कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप लैब के अंदर, तो ये कहानी तो आपको समझ आ गई कि आप वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ये इन चीज़ों के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो है वो आग लग जाए, लेबॉर्ट्री के अंदर स्पार्क हो जाए, लेबॉर्ट्री के अंदर कोई इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हो जाए, वहाँ पर कोई ऐसा केमिकल जो है वो की बॉटल टूट जाए, तो उस हवाले से फिर आपने उस मुताबिक जो है वो जो कंसर्न पर्सन होंगे, क्योंकि आप जिस सिनेरियो को देख रहे हैं आपने अपनी फील्ड के नहीं सोचना, आपने इसको जेनेरिकली सोचना है कि आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वहाँ पे तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट, हेल्थ केयर लैब टेक्नीशियन, फिलोबॉटमिस्ट, नर्सेज, डॉक्टर, वो तो हॉस्पिटल में अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट्स पहन रहे हैं, लेकिन जो लोग आपने इस स्पेशल सिचुएशन के लिए मुख्तस किए होंगे, जो आपकी टीम होगी, तो उनकी जो PPEs होगी वो कंप्लीट क्या होंगी, वो उससे डिफरेंट हो सकती है। ओके, फिर उसके बाद ये एक आइडियल सिचुएशन के अंदर जो है वो एक टेक्नोलॉजिस्ट है और इसने लैब कोट भी पहना हुआ है, वेल प्रॉपर लैब कोट है, बिल्कुल उसकी नीज तक है, प्रॉपर जिप्ड है, साफ है, हाथों से बंद है, ग्लव्स पहने हुए है, फिर इसके बाद मास्क पहना हुआ है, स्पेक्टिकल्स लगे हुए है, एयर जो है इसके क्लोज्ड है, शूज़ इसके ओपन शूज़ नहीं है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है कि आप जिसमें आपने लैब कोट, ग्लव्स, गॉगल, मास्क, मास्क भी डिपेंड करता है, लैब्स हमारे पास चार किस्म के होते हैं, लेवल 1, 2, 3 और 4, वो डिपेंड करता है। अगर आप 1 में काम कर रहे हैं, 2 में काम कर रहे हैं, 3, 4 में अगर टीबी के साथ, एच पायलोरी के साथ, कोविड के साथ या और इस तरह के ख़तरनाक बीमारियों के साथ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर N95 या इवन आपने फिर रेस्पिरेटर जो है वो यूज़ करना होता है, N95 भी फिर वहाँ पे आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ये है। तो ये अब ये जो शख्स काम कर रहा है, इस मशीन को हम कहते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट। बायोसेफ्टी कैबिनेट ये होता है
कि इसके अंदर आप बहुत सेंसिटिव मटेरियल जो है उसको टेस्ट लगाते हो, और इसके ऊपर जो है वो हेपा फिल्टर लगा हुआ होता है, एयर फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, नीचे जो है वो आप देख रहे हैं कि बंदा काम कर रहा है, लेकिन इसके और काम करने के जो कंटेनमेंट है, जो चीज़ है, जो सैंपल है, उसके बीच में भी शीशा लगा हुआ है। इसके बावजूद पीछे भी आप देख रहे होते कि इसने वेल कैप जो है वो रिजर्वाइवर्स पहने हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है, यानी इसको हम कहते हैं वाइजर बोलते हैं, तो ये है। और साथ में ये आप देख रहे हैं कि इसको बाहर से कोई ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा किसी ऐसे ख़तरनाक किस्म के लैब के अंदर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली कोई ख़तरनाक किस्म के वायरस के साथ ये डील कर रहा है, तो इसके लिए रेस्पिरेटर प्रोटेक्शन होता है, और इसको हम कहते हैं PAPR, यानी पावर एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर। ये आपको एयर प्योरीफाइड करके जो है वो दे रहे होते हैं, आप उसको रिस्पायरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर आप नॉर्मली ऐसे उसको हटा के सांस लेंगे, तो मैंने पहले भी बताया कि ऐसी चीज़ें होती है आपके एयर बोन के अंदर कि वो आपको इनहेल कर जाएंगे और फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर अब इन्होंने लैब कोट नहीं पहना हुआ, लैब कोट नहीं है, ये आप टाइविक सूट पहन रहे थे। टाइविक सूट का मतलब ये होता है कि पाँव से लेके सर तक ये कम्प्लीटली जो है वो क्या होता है, ये बंद होता है। यहाँ पे आप अब उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आप जब इस लैब के अंदर आ रहे होते हैं, तो आप अपने आपके जो अपने नॉर्मल कमीज शलवार होते हैं या पैंट शर्ट होते हैं, उस तरह नहीं आते, आप प्रॉपर जो है एक तरीके से आते हो। एक बंदा आता है वहाँ के वहाँ अंदर, और फिर उसकी प्रॉपर सेफ्टी के मजर और उसके प्रॉपर सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए, फिलोबोटमिस्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिलोबोटमिस्ट का काम हो सकता है। किस सिनेरियो के अंदर? COVID-19 के अंदर जब आपके पास कोई पेशेंट आता था तो सैंपल कौन लेता था? फिलोबोटमिस्ट लेता था। अब उस सिनेरियो के अंदर अगर फिलोबोटमिस्ट ने ग्लव्स नहीं पहने थे, मास्क नहीं पहना था, टाइविक सूट नहीं पहना था, तो उनके साथ मसाइल हुए भी, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर फिर आप देख रहे होते कि अगर कोई मर्ज जो है वो पेंडेमिक हुआ है, तो उस सिनेरियो के अंदर फिर आपकी जो प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो भी उस डिजीज़ के साथ साथ क्या होंगी, चेंज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मुझे तो बताया गया था कि आपने सिर्फ लैब कोट पहनना है, वहाँ पे आप सिर्फ लैब कोट से नहीं बच सकते, ओके। उसके बाद आई प्रोटेक्शन है, तो अक्सर आप लोगों ने इसको वेल्डर के साथ जो है वो देखा होगा, वेल्डिंग फेस शील्ड वाले, तो वो तो अपने आंखें बचाते हैं, लेकिन ये हमारे पास लैब के अंदर भी यूज़ होते हैं, ये अदर जितने ऑक्यूपेशंस हैं उनके अंदर भी यूज़ हो रहे होते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ कम्प्लीटली बन होते हैं, कुछ एरी होते हैं, कुछ जो है वो कम्प्लीटली आप हेलमेट के साथ ये शील्ड होता है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, वाइजर जो है वो बोलते हैं। हैंड प्रोटेक्शन, आपके हैंड प्रोटेक्शन जो है वो ऑब्वियसली काम कर रहे होते हैं आप, और हैंड प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, तो जिसमें आपके प्रोटेक्टिव ग्लव्स आ जाते हैं। अब प्रोटेक्टिव ग्लव्स सारे एक जैसे तो नहीं होते, ठीक है, आपने कभी ऑटोक्लेव करना होता है तो वो गर्म होता है, तो उसमें आपने दूसरे प्रोटेक्टिव ग्लव यूज़ करने जो आपको हीट से बचा सकते हैं, ओके। इसी तरह आप अगर कोई कोरेसिव चीज़ उठा रहे हैं, कोई टॉक्सिक चीज़ उठा रहे हैं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, कोई टूटा हुआ ग्लास उठा रहे हैं, तो वहाँ पे सारे जो ग्लव्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। नॉर्मली हम जो लैब के अंदर ग्लव्स यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग, वो विनाइल ग्लव्स होते हैं और लेटेक्स ग्लव्स होते हैं, साथ में नाइट्राइल ग्लव्स जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। CDC एक इदारा है, जिस तरह CLSI था इसी तरह CDC है, और CDC के आर्टिकल्स वगैरह आप लोग देखते भी होंगे, नाम भी सुना होगा, खबरों में भी आते हैं ये। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, PPE जिसमें से गाउन, ग्लव्स, रिस्पायरेटर्स, गगल्स डॉन वॉलेंटियर इफ अ लेबोरेटरी एम्प्लॉयज डिड नॉट यूज दीज प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और इफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर लैकिंग इन सच केस लेबोरेटरी वर्कर आर गेटिंग एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ पोटेंशियल इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसका मतलब ये है कि CDC ने जब इस पर काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बात तय है
कि हमारे पास अगर कोई वॉलंटियरली जो है उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहा तो उनका मंसिल मकसूद जो है वो क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, उनको होनी ही होनी है, ये मसले हैं। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये कल्चर आपने बनाना है, ये आप बदतमीज़ी के साथ, ज़ोर के साथ, पेनल्टीज़ के साथ इस तरह नहीं कर सकते। आपने इसको इमोशनल टच देना होता है, आपने इसको देखना होता है, आपकी सेफ्टी ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन पीपीईज को पहनाने के लिए सख्ती नहीं करेंगे, बल्कि वो किसी ऐसे तरीके के साथ उनको कोई ऐसा प्रोसीजर लेके आएंगे कि जिससे सारे लोग जो है वो उस चीज़ को पहनना शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा ये याद रखिए कि जब हम डॉनिंग कहते हैं, जब हम उसको पहनते हैं किसी भी पीपीई को, और डॉफिंग इसको कहते हैं कि जब हम इसको उतारते हैं। तो व्हेनेवर यू आर डॉनिंग, ऑलवेज डू योर बेस्ट टू डॉन क्लीन टू डर्टी। ठीक है, क्लीन से आप डर्टी की तरफ जा रहे हैं, और जब आप इस डॉफ करेंगे तो आपका सबसे डर्टीएस्ट जो आप समझते हैं कि आपका है कोई इक्विपमेंट, ये आगे मैं इस पर आगे बात करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में या थर्ड लेक्चर के अंदर, कि प्रॉपर पीपीज, बल्कि आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूंगा कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो पहले आपने उतारना है, फिर उसके कौन सा, फिर उसके कौन सा। तो डर्टी से क्लीन की तरफ जाना है, यानी सबसे जो गंदा, यानी सबसे डर्टीएस्ट या सबसे इन्फेक्शियस जो आपका इक्विपमेंट था वो आपने पहले उतारना होता है, उसके बाद करते 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 एंड पे जो है वो आप जाएंगे। सो ऑलवेज मेक श्योर द SOPs फॉर डॉनिंग डॉफिंग वर्क करेक्टली, अदरवाइज यू कुड बी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ दोज वेयरिंग PPEs। और इसमें एक और बात आती है कि आप जब PPEs को उतारते हैं तो PPEs को उतारते वक्त जो है वो तरीका क्या इस्तेमाल होगा, जिसमें से एक हमारे पास आता है बीक मैथड, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो बीक मैथड जब आप आएंगे फिजिकली इंशाल्लाह, बीक मैथड सबको आना चाहिए। ओके, उसमें होता क्या है कि मैक एंड एल, गिव मी फाइव, पिंच, स्कूप, ये उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपने उस स्टेप्स को याद रखने हैं, रट्टा लगाना है, खुद करना है, घर के अंदर परफॉर्म करना है, और ग्लव्स आज खरीद ले, ये आप लोगों का टास्क है। इंशाल्लाह रात को या कल मैं अगर आप लोगों के साथ इसकी रिकॉर्डिंग, तो वो वीडियो भी मैं आप आज ही शेयर कर दूंगा, मेरे पास बनी हुई है यूट्यूब पे ऑलरेडी। तो वो डॉनिंग ऑफ PPEs जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन डॉफिंग उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर हम जो ग्लव्स पहनते हैं तो उसको तो पहन लिया आप लोगों ने, जब आप उसको उतारते हैं तो आप जब उसको जैसे ही उतार लेंगे तो नॉर्मल लेवल तो चले चल जाता है, मतलब ओके अल्लाह इज्जत रख देता है, लेकिन जब ऐसे ख़तरनाक किस्म की कोई पेंडेमिक वायरस या कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है और उसमें आप उतार लेते हैं तो आप अपने आप को कंटेमिनेट कर रहे हो, आपकी उस PPEs के पहनने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ओके, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से डॉफिंग जो है वो प्रॉपर प्रोसीजरल तरीके, जो उसके लिए गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक जो है वो क्या करना होता है, उतारना होता है। तो ये हमारे लेक्चर का जो है वो आज इधर तक ही हमने पढ़ना था, और आगे इंशाल्लाह फिर नीडल स्टिक इंजरी है, बीक मेथड में आज आप लोगों को अपलोड करवा दूंगा, और साथ में जो है वो और चीज़ें इसमें पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल वो पूछ सकता है। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, चले दैट्स ग्रेट। तो इंशाल्लाह चले मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ फिर शेयर कर दूंगा, बीक मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आपका असाइनमेंट इस हफ्ते के लिए जो है ये बीक मेथड हो गया है। तो बीक मेथड को आप लोगों ने फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें आपने बैठ के कैमरा ऑन करके ये फिर बताना है मुझे, हम सब देखेंगे। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ये अभी से असाइनमेंट है और ये ग्रेडेड होगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सर।